तस्मात दशरथो भवत। तो अयोध्या पधार गए, आप लोग पहुंच गए इस पावन धरती में, तो आइए दो पंक्ति मेरे साथ गाएं। अरपुरी की गली, हाजीपुरी की गली मन भावे अयोध्या, पुरी की गली मन भावे अयोध्या। ताली कम नहीं बजेगी इसमें, ताली बहुत बढ़िया बजाते हैं। वैसे आप हमसे तो बढ़िया बजाते हैं, लेकिन थोड़ा और बढ़िया बजाते सरजू जल निर्मल धारा जी, निर्मल धारा जी, निर्मल धारा सरी सरजू जल निर्मल धारा, सरे सरजू जल निर्मल धारा। कोटि जनाम यज्ञ जात चली, कोटि जनाम यज्ञ जात चली। सरजू मैया की जय बोलेंगे, फिर आगे गाएंगे। बोले सरजू मैया की, कोटि जनम यज्ञ जात चली, कोटि जनम यज्ञ जात चली। पुरी की गली मन भावे अयोध्या, पुरी की गली मन भावे अयोध्या। राम कथा यरु संत समागम, राम कथा अरु संत समागम। सिद्धि विराजे, सिद्धि विराजे गली गली, सिद्धि विराजे गली गली। देखो पुरी की गली मन भावे अयोध्या, पुरी की गली मन भावे अयोध्या। दर्शन हाँ हाँ नित दर्शन, हाँ जी नित दर्शन, नित दर्शन हनुमान गढ़ी को, नित दर्शन हनुमान गढ़ी को। अरे जहाँ विराजे बजरंग बली, जहाँ विराजे बजरंग बली, पर बजरंग बली की कहीं कहीं बिहार में देखा महावीर जी कहते हैं हनुमान जी को, अपने आप बजरंग बली कहते हैं। राजस्थान में चले जाओ तो बालाजी कहते हैं महाराज। हनुमान जी कोने कोने भारत में संभाले हुए हैं, छोटा मंदिर है तो भी ऐसा संभाले हैं कि चारों तरफ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बोलो जय श्री हरि। शुरू शुरू में राजस्थान की भाषा वाषा थोड़ी मेरे कम समझ में आती थी, एक जगह लिखा था डूंगरी वाले बालाजी। हमने कहा भैया डूंगरी वाले बालाजी का मतलब क्या होता है, तो बोले महाराज डूंगरी पहाड़ कहते, पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ पे मंदिर है। सो मुझे कोई नाम महाराज, कोई आप जैसा, मैं कोई विद्वान तो हूं नहीं, सो मैं डूंगरी वाले बालाजी का नाम रख दिया, चाहे कहीं लिखा पड़ा हो चाहे नहीं। हमने कहा समझ में आ गया, एक जगह लिखा था मैंने देखा श्री बेरिया वाले बालाजी महाराज। हमने कहा भैया बेरिया क्या है, बोले महाराज बेरिया मैंने कुआं, ये बड़ा भारी कुआं इधर, मंदिर इधर, सो बेरिया वाले हो गए। एक जगह तो मैं चौंक गया, वहां लिखा था करंट वाले बालाजी। हमें कहा भैया सब तो समझ में आ गया, लेकिन बालाजी का करंट से क्या मतलब है। बोले सामने पावर हाउस है ना महाराज, पावर हाउस में करंट है तो होता है। हमने कहा जय हो महाराज, वेद व्यास जी वाल्मीकि जी बात तीसरा नंबर आप लोगों का, नाम रखने के मामले में तो आप हैं। हनुमान जी का जो ही नाम रख दे सो ही प्रसन्न। बोला बजरंग बली की। लेकिन हमारे देश में पांच प्रकार के हनुमान तो बहुत ही मशहूर है, जो मेरे देश में जगह जगह, एक तो लड़े हनुमान, एक चढ़े हनुमान, एक अड़े हनुमान, एक खड़े हनुमान, एक पड़े हनुमान। कहां पे लड़े, कहां पे चढ़े, कहां पे अड़े, एक छंद के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। अरे सिया राम प्रताप हिये में लिए, और गढ़ लंक पे मारुत जाई लड़े। कैसे लड़े मैं आपको लंका कांड में बता पाऊंगा तो बताऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। हाथी से हाथी मारे, घोरे सो संगारे घोरे, और रथ
की कवितावली। चंचल चपेट चोट चरण चकोट, माने चिकोटी भी काटते हैं इनकी लड़ाई की विशेषता। चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे हरानी फौजे बहरानी जातुधान की। बार बार सेवक सराहना करत राम तुलसी सराहे सील साहेब सुजान की। लांबी लूम लसत लपेट पटकत भट देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये ऐसे लड़ते थे हनुमान जी, आगे बताएंगे। तो सिया राम प्रताप अहिये में लिए गढ़ लंक पे मारुत जाई लड़े अवधेश कुमार दुलार भयो ये हनुमान गढ़ी में है आई अड़े। हनुमान गढ़ी में हमारे बाबू बजरंग दास जी महाराज श्री प्रवीण शास्त्री के साथ नित्य आते हैं हनुमानगढ़ी से। मैं आपको दंडवत नमन करता हूं। और सबसे पहले जब मैं विद्यार्थी जीवन में आया तो हनुमानगढ़ी में ही रहा। बोलो बजरंगबली की, वहीं से मेरे जीवन की अयोध्या में शुरुआत हुई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कथा कहने का अवसर नहीं मिला था, बाहर 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 सुनाते थे। आप लोगों का आशीर्वाद जब मिला तब कुछ संभव हो सका, यही आशीर्वाद की कामना आप सबसे बार बार करूंगा। सिया राम प्रताप ही है मैं लिए गढ़ लंक पे मारुत जाई लड़े अवधेश कुमार दुलार भयो तो हनुमान गढ़ी में है आई अरे। कामदनाथ कृपा बल से देखो चित्रकूट पहाड़ पे जाई चढ़े और बनी संकट मोचन काशी खड़े पुनि आनंद पाए प्रयाग पड़े पुनि आनंद पाए। लंका में लड़े चित्रकूट पर्वत पर चढ़े हनुमानगढ़ी में अड़े संकट मोचन काशी में खड़े अब प्रयागराज में बल बजरंग बली की। अरे जहां भी राजे बजरंग बली जहाँ विराजे बजरंग बली पूरी की गली पूरी की गली रे मन भावे अयोध्या पूरी की गली हाँ पूरी की गली पूरी की गली हाँ पूरी की गली जी। आइए जल्दी चलिए अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता मनु नाम अरविंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं महाराज मनु ने। इस अयोध्या राम की नगरी को बसाया था। राजा कौन थे उसके? दशरथ जी महाराज। दशस दीक्षुगतो यस्य रथः सा दशरथः पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य।